हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सब लोग जुड़ चुके हैं, शायद मैं लेट हूँ आज। नाम है, क्लास में कोई स्टूडेंट है क्या? ऑफलाइन क्लास में? हाँ मैं हूँ। कौन है जी? एक लड़का, दो लड़का है, यही में से कोई होंगे जो हैं सो निकल के जाएं बाहर। देखिए किन के किन के तरफ से, एक नंबर निकालिए इसको। पिंटू कुमार सर, ऑफलाइन देखिए नहीं आ सकते हैं आप लोग। बाबू सर क्लास में हैं क्या? श्रुति कुमारी सर है क्लास में, मैं तो क्लास में हुई ही। अच्छा, थोड़ा सा भी लेट होता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। मैं जो लोग जुड़ रहे हैं उनका नाम एक बार ले लेता हूँ। जयराम यादव, विकास शर्मा, आकाश कुमार, इंद्रजीत कुमार, शिवम कुमार, अनुराग। देखिए जो लोग भी इंक्वायरी के बहाने आ जा रहे हैं क्लास में और उनको बोल रहे हैं कि सर अब आ रहे हैं तो आ गए हैं तो एक थोड़ा सा बैठ लेते हैं, तो यार आपको आने के बाद भी लौटा दिया जाएगा, इसलिए प्लीज़ ऐसे ना आए। और कोई आने के लिए सोचे भी नहीं। क्या हो रहा है क्या कि एक आधो लोग आ जा रहे हैं और क्लास में बैठ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर ये आज भर लास्ट कर लेंगे। लास्ट ये ठीक नहीं है। आप घर पर सुरक्षित रहिए, कोरोना काफ़ी सक्रिय है, सरकार देखिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, हर जगहों पर काम कर रही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा कि मैं ऑनलाइन भी चला रहा हूँ और उसके बाद भी आप क्लास कोचिंग तक आ जा रहे हैं। ऑनलाइन चलाने का कोई शौक था नहीं, आप जानते ही हैं कि ये ऑनलाइन केवल आपको इसलिए चलाया जा रहा है ताकि आप कंटिन्यू रह सकें, ठीक है। सो जुड़ने के तेज़ी से जुड़े सब लोग, अभी बहुत लोग क्लास में नहीं हैं। जितेंद्र कुमार, विकास कुमार, राज कमल, अनुज कुमार, श्रुति कुमारी, दीपक पटेल, सुधीर विश्वकर्मा, राणा सिंह, हिमांशु सिंह, राजकमल, विकास, उत्सव, अनुज कुमार, अनुराग, राज, रमेश कुमार सिंह। हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग हाँ ऑफलाइन स्टार्ट कीजिए सर, नहीं कर सकते हैं। विक्की राज, विकास, बबीता, पिंटू यादव, पंकज कुमार, मधु कुमारी वर्मा, राणा सिंह, सभी एवरीवन जो भी जुड़ रहे हैं, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो जो लाइव चल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। सब लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता तो। लाइक मतलब आपको करना चाहिए, ठीक है, और पसंद आ रहे होंगे हम तो। जिनको भी लगता है कि ठीक ठाक वीडियो चल रहा है तो वो जरूर वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को बताया करें। बहुत लोग गांव में, आपके दोस्त गांव में हैं और उनको मौका नहीं मिल पाता है कि गया आकर बैठ के पढ़े, तो उनके लिए अवसर बेहतर है। मैं इसीलिए ऑनलाइन बोला लाइव कर दे रहा हूँ यूट्यूब पर ही, जिसको देखना है, जो जो टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक अपना आगे कर ले, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में बताया गया प्रतिशत में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, बात किया गया कि भैया ऐसा है कि अगर ए और बी दो संख्या हैं, ए बी से अगर 20% अधिक है तो ऐसा नहीं है कि बी से ए 20% कम होगा, ए से बी 20% अधिक है तो ऐसा नहीं है कि बी 20% कम होगा। क्या होगा ये बताया गया है कि यदि ए से अधिक बी है कितना परसेंट, 20%। 20% का मतलब 1/5 अधिक होना होता है, यानी कि ए अगर 5 है तो बी 6 होगा, सही है। और अगर पूछता है कि बी का कितना परसेंट है ए, तो यानी 6 का या कितना परसेंट कम है बी से, तो कम यहां पर 1 दिखेगा। देखो सबसे कहता है पहले कि ए से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है यानी कि ए 100 तो ये 120 है। इसी को आप काट के लिख सकते हैं कि ये वाला 5 है तो ये 6 है। फिर दूसरा बोलता है कि तो फिर ए है सो बी से कितना कम है, ऐसे भी बोलता है। ए कितना कम है बी से, 1 कम है। 1 कितना कम, कितना से, तो 6 से कम रहने का मतलब 16.2/3% कम, यानी कि यहां पर कह सकते हैं कि बी से ए 66.2/3% कम है। और यहां पर कह रखा था बी ए से 20% अधिक था, बी ए से
20% अधिक था। तो ये बात स्पष्ट हुआ कि अगर बी ए से 20% अधिक हो, 20% अधिक हो, तो बी ए से 16.2/3% कम होगा। अगर बी ए से 20% अधिक हो तो बी से ए कितना कम होगा। बी अगर अधिक है तो बी से ए कम होगा कितना परसेंट, 16.2/3%। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ए बी से कम है, ऐसा लिख सकते हैं ए बी से कम है कितना परसेंट, 16.2/3%। यानी कि रिवर्स होता है, इन्वर्स हो जाता है। कभी भी 5 से 6 हुआ है तो 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से 8 हुआ है, 14.2/3 कोई नंबर 14.2/7% बढ़ा है, कोई नंबर 14.2/7% बढ़ा है यानी 7 से 8 हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पहले वाला संख्या उससे कम होगा एक, और यानी कि जो शुरुआती संख्या था ये जो अधिक है बाद वाला संख्या, तो बाद वाला से एक कम होगा, और परसेंटेज में लिखेंगे तो 1/8 कम होगा, और 1/8 को कहते हैं 12.5। ये तमाम बातें बता दिया जा चुका है। ये भी बताया गया था कि बाबू क्या है कि कभी भी आपको ये कहे कि दाम में वृद्धि हो गया, ये तमाम बातों पर चर्चा हो चुकी है। खर्च है सो दाम और खपत के, दाम और खपत पर निर्भर करता है। अगर किसी भी सामान का दाम बढ़ गया है और खपत कमा है, दाम बढ़ा है और खपत कमा है, तो ये दोनों एक दूसरे, दाम बढ़ा है या खपत बढ़ा है, या दाम बढ़ा है या खपत कमा, ऐसे होता हो तो इसका सीधा असर पर किस पर पड़ेगा, खर्च पर। कोई वस्तु का दाम बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, किसी वस्तु का खपत बढ़ा तब भी खर्चा बढ़ जाएगा। यानी ये तमाम बातें चर्चा कर लिया गया है। लेकिन हाँ, अगर बात करें दाम और खपत में रिलेशन, तो ये उल्टा होता है। अगर दाम एक दूसरे का उल्टा होता है, वैसे भी जो साथ में गुना लिखा हुआ है वो एक दूसरे का उल्टा ही होता है, जो साथ में होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, ठीक है। अब ये बात है कि अगर दाम बढ़ा है और खपत कम कर दें तो खर्चा में कुछ मैनेज हो सकता है, दाम बढ़ा है और खपत कम कर दें तो खर्च में कुछ मैनेज हो सकता है, खर्च कम हो सकता है। तो यही सवाल पूछते रहता है कि बोलते हैं कि भैया दाम बढ़ा अगर 12.5%, दाम बढ़ गया 12.5%, 12.5% बढ़ने का मतलब होता है 1/8 बढ़ना, और 1/8 बढ़ने का मतलब होता है 8 से 9 होना। दाम 8 से 9 हुआ है और चाहते हैं आप कि खर्चा ना बढ़े, तो खपत निश्चित तौर पर 9 के बजाय 8 करना होगा। इसके अपने शब्दों में समझिए, यानी अगर कोई सब्जी 8 रुपये प्रति केजी मिल रहा था और अब दाम हो गया 9 रुपये प्रति केजी, तो जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, अगर खर्च ना बढ़ाना चाहे तो पहले खपत 9 केजी करता होगा तो अब 8 केजी करेगा, क्योंकि 8 रुपया के हिसाब से 9 केजी, खपत 9 केजी, 9 केजी का दाम 72 रुपया होता था पहले, अब क्या करेगा, 9 दाम हो गया तो खरीदी के लाएगा 8 केजी, तो 9 रुपये के हिसाब से 8 केजी 9×8=72 रुपये रह जाएगा। मतलब ये बताता है कि अगर आप दाम बढ़ा है और खपत मेंटेन करना चाहते हैं तो जस्ट उल्टा कर दे, 8 से 9 दाम हुआ है तो खपत कर दे, 8 से 9 खर्चा बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है बात, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। जितने लोग हैं वो तेजी से जुड़ रहे हैं, मैं अभी सबके जुड़ने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि ये तमाम बातें हो चुका है। अब मैं एक सवाल लेकर आगे बढ़ूंगा, आप देखते हैं कि उसको बता पाते हैं कि नहीं। देखिए, कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में, इससे पहले एक सवाल लीजिए, ये सब लोग बताइएगा, गेहूं के मूल्य में 40% की कमी होने पर एक व्यक्ति पहले 60 केजी खरीदता था तो अब कितना केजी खरीदेगा, बताइए। सब लोग जुड़िए और जुड़ने का ये सबूत दीजिए कि आप सचमुच जुड़ चुके हैं, आंसर लिखकर ये आप जुड़ पाए हैं इसका सबूत दीजिए। पहले 60 केजी खरीदता था तो आप कितना केजी खरीदेगा। सत्यम कुमार गुड मॉर्निंग, सुधीर विश्वकर्मा, सौरभ कुमार, गौतम, मनीता कुमारी, महाकाल के दीवाने, 100 केजी खरीद पाएगा क्या,
विकास सिन्हा कहते हैं, सौके जी दीपू कहते हैं, विकास कुमार कहते हैं, विकास राज कहते हैं। तीन लोग हैं, विकास शर्मा, विकास कुमार, विकास सिंह, विकास राज, विक्की राज है सॉरी। इंद्रजीत, हिमांशु, सुधीर, सभी का आंसर सौके जी। वेरी गुड। आपको बताया गया है, आपको बताया गया कि 40% समान मूल्य में कमी हुआ है, यानी 40% का मतलब होता है 40/100, और 40/100 का मतलब होता है 2/5, यानी कि दाम क्या हो गया वस्तु का, दाम हो गया 5 से कमी हुआ है, कमी हुआ है तो 5 से 3 हो गया। एक व्यक्ति पहले 60 kg खरीदता था तो अब उतने ही। देखो भाई, दाम अगर 5 से 3 हो गया तो सामान खरीद के लाना चाहिए उसको, जानते हैं क्या, सामान लाना चाहिए 3 की जगह पर 5, यानी कि पहले 3 kg खरीदता होगा सामान या खपत होता होगा, सामान लाता होगा 3 kg, तो अब लाना होगा 5 kg। पहले यहाँ पर कितना केजी ला रहा था, 60 kg, यानी 3 = 60 kg, तो 5 = 100 kg। ये साधारण सा सवाल आपको क्लास में डिस्कस किया गया है, जिसको कि आप मौखिक बना सकते हैं अगर जानते होंगे तो। ये खास करके तब जब यहाँ पर फ्रैक्शन में रहता है, हमेशा समझिएगा, अगर दाम बढ़ा है और उतने ही में पैसा में, उतने ही पैसा यानी खर्चा ना बढ़े, पैसा उतने ही में यानी कि खर्चा ना बढ़े, तो सामान हमेशा रेसिप्रोकल लाएंगे। क्लियर है? अगला सवाल एक और है आपके लिए कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं। जितने लोग हैं टाइप्स कलम कॉपी निकाल कर बैठे हैं, मैं टाइप्स करवा रहा हूँ, हालांकि मैं टाइप्स, हाँ बताइएगा। अनुराग राज 100 kg, विक्रम कुमार राज 100 kg, इसका आंसर बताइए। प्रति केजी मूल्य बताना है अभी, कौन सा बताना है, घटा मूल्य प्रति केजी कितना होगा, घटा मूल्य प्रति केजी बहुत आसान है, 25% कमी हुआ है, 25% कमी हुआ है, यानी कि पहले दाम था आपका, बाद में दाम हुआ क्या, दाम पहले था भाई 25% कमा है, 25% कमने का मतलब 1/4 कमना। देखो ये 25% है तब तो ठीक है, 12.5% देता है तो दिक्कत होगा, इसलिए इस नियम को फॉलो कीजिए। 25% कमी हुआ, 1/4 कमी हुआ, यानी 4 की जगह पर दाम हो गया 3। पहले 4 kg दाम था, प्रति के 4 रुपये प्रति के जी, अब दाम हो गया बाद में 3 रुपये। तो सामान क्या मिलना चाहिए भाई, सामान मिलना चाहिए आपको, सामान मिलना चाहिए 3 के बजाय अब 4, उतना ही पैसा में 3 के बजाय क्या मिलना चाहिए, 4, क्योंकि दाम अगर 4 से 3 हुआ है तो सामान 3 से 4 मिलेगा। और देखो कितना अधिक सामान मिल रहा है आपको, सामान मिल रहा है 1 अधिक, और यहाँ 1 कितना है, 2 kg, यानी कि 1 = 2 kg, यानी 240 रुपये, या वही पैसा 240 में पहले 2 kg, पहले जितना लाता था ना उतना से 2 kg अधिक ला रहा है वही 240 रुपये में, यानी पहले 240 रुपये में जितना सामान खरीदता था उससे 2 kg अब क्या रहा है, अधिक ला रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रकम बटा मात्रा गुने घटा मूल्य बटा 100, ऐसे भी करते हैं घटा प्रतिशत। लेकिन बाबू अब सवाल को रटिए मत, समझने का प्रयास कीजिए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, पहले कितना केजी खरीदता था, अब कितना केजी खरीदेगा, प्रति केजी मूल्य अब क्या है, पहले वाला प्रति केजी मूल्य क्या था, तो इसको समझने के लिए समझिए। अब देखो मुझे कह रहा है कि 2 रुपया, मैं ये चूंकि करवा चुका हूँ क्लास में, इसीलिए एक ही क्वेश्चन रहेगा आप, ताकि जुड़ जाइए कि हाँ इतना ही सब मेरा क्लियर था। 2 kg अधिक खरीद पा रहा है, यहाँ पर खरीद रहा है कितना केजी, यहाँ 2 kg, 1 बराबर कितना हुआ, 2 kg, 1 बराबर अगर 2 kg हुआ, यानी पहले खरीदता था कितना केजी, 6 kg, और अब बाद में कितना केजी खरीदेगा, दाम दाम घटने के बाद 4 × 2 = 8 kg, कैसे 8 kg, अरे 1 = 2 kg हो रहा है, 1 अधिक खरीद पा रहा है यहाँ अनुपात में, अनुपात में 1 kg, लेकिन वास्तविक में कितना केजी अधिक मिल रहा है, 2 kg अधिक, तो 1 = 2 हुआ ना, और 1 = 2 हुआ तो 3 = 6, 4 = 8। यहाँ पर क्या पूछ रहा था ये समझिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया बताइए आप कि प्रति केजी घटा मूल्य क्या है, प्रति केजी घटा मूल्य, भैया आप घटा मूल्य तो घटने के बाद तो 8 kg खरीद रहा है, कितना रुपया में, 240 रुपया में, घटने के बाद 8 kg 240 रुपया में खरीद रहा है कि नहीं, तो 240 रुपया में
8 केजी खरीदता है तो प्रति केजी मूल्य क्या रहा होगा? प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी यहाँ पर 30 रुपया दाम होगा प्रति केजी, यानी कि आंसर होगा 30 रुपये प्रति केजी। तो इसमें क्या होता था, लड़कन भूल जाता है कि घटा मूल्य के लिए कैसे निकालना है, प्रारंभिक मूल्य के लिए कैसे निकालना है, पहले कितना खरीदता था कह के जी कैसे निकालना है। तो ये तमाम का आंसर एक ही टाइप से है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा सबका। 30 केजी, 30 केजी, 30 केजी। अब जो है 100% के पास फेल से संबंधित हम बता रहे थे। एक मिनट, हम पास फेल से संबंधित कुछ बातों को चर्चा कर लें। हालांकि हम क्लास में कर बता चुके हैं, पास फेल में बताए हैं कि बाबू ये समझना है कि अगर मान लो कि किसी ऑफिस में कुछ लोग चाय पीते हैं और कुछ लोग कॉफ़ी, तो ये चाय वाला कॉलम और ये कॉफ़ी वाला, यानी कि इसमें जो आया है सभी, ये चाय है, अगर चाय पीने वाले लोग हैं तो ये वाला जो होगा सो पूरा कि क्या है, चाय पीने वाला, और ये जो आएगा आपका सो पूरा कॉफ़ी पीने वाला, ये संख्या जो आएगा सो कॉफ़ी पीने वाला, और इसमें जो रहेंगे ये जो आया वो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीने वाले, दोनों चाय तथा कॉफ़ी दोनों। इसमें जो संख्या आएगा केवल किसमें, ये वाला पार्ट में, ये वाला में, वो केवल ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला में, इसमें केवल चाय, ये केवल चाय पीने वाला चाय है ना, टी चाय, केवल चाय। और ये वाला जो सेक्शन आएगा आपका, इसमें मैं ये लेता हूँ, ये आपका पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जो आएगा सो इसमें आएगा केवल केवल कॉफी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लूँ कि भाई 80% लोग चाय पीते हैं, 80% लोग चाय पीते हैं और 25% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 25% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 30% लोग टोटल पीते हैं, दोनों पीते हैं चाय तथा कॉफ़ी, 25% लोग कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं 80% लोग, मैं कुल अगर 100 मानूंगा, कुल संख्या मान लिया मैं 100 और सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, ये बात समझना होगा, सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, कुल संख्या 100, तो 100 का 80% तो 80 हो जाएगा, है ना, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25, यानी कि और 100 का 30% भी क्या हो जाएगा, 30। तो जब 100 मान लेते हैं ना तो 80% भी कहेगा तो 80 हो जाएगा, यानी कुल चाय पीने वालों की संख्या कितना है, 80, और कुल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 25 और दोनों पीने वालों की संख्या 3। हम अपने से बोले हैं कि कुल, यदि मान लीजिए जितनी संख्या है ऑफिस में उसकी कुल संख्या, सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, उसमें से कुल 80% लोग चाय पीते हैं, 80% में चाय यानी कि क्या सर, 80% चाय पीते हैं इसका मतलब क्या, उसमें से कुछ दोनों भी पीते होंगे, उसमें से केवल चाय भी पीने वाले होंगे केवल, हैं, लेकिन 80% कुल मिला के हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि 25% कॉफ़ी पीते हैं, इसका मतलब है कि उसमें से कुछ दोनों पीते होंगे, चाय और कॉफ़ी दोनों, दोनों पीने वाले भी तो कॉफ़ी पीने वाला है ना, और केवल कॉफ़ी भी पीने वाले होंगे उसमें, यानी कि अगर मैं कहूं कि 25% कॉफ़ी पीते हैं, इसका मतलब है कि सब मिला के दोनों पीने वाला या केवल पीने वाला, सब मिला के 25% टोटल कॉफ़ी पीने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर कह दूं कि 30% दोनों, यहां पर मैं गलत ले रखा हूं, यहां पर होना चाहिए 35%, मैं गलत यहां पर प्रिंट कर दिया, या 35% टाइप कर दिया, ये लिखने के यहां पर 35 लिखिएगा। अगर 35% दोनों पीते हैं, सॉरी 35% क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और 30% दोनों पीते हैं, तो बताइए जरा 30% अगर दोनों हुआ तो इसका मतलब कि 80 में से 30 हो गया, ये यानी केवल 50% लोग हैं सो क्या पीते हैं, केवल 50% क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, यानी कि ये वाला जो होता है ये आपका होगा सो केवल 50% है सो चाय पीते होंगे, और इसमें देखिए केवल 5%, यानी कि कहने का मतलब कि 100 लोग ऑफिस में से हैं, उसमें से 50 और 35 क्या, 85 लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं, बच गए कितने नहीं पीने वाले इसमें से, 80 में से, देखो भाई
पहले बात समझिए कि 100 लोग थे ऑफिस में टोटल, उसमें से जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है 80% या इसमें या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, लेकिन हाँ चाय कुल पीने वालों की संख्या कितना है 80 और कॉफी पीने वालों की संख्या कितना है 35। कहने का भावार्थ है कि 80 में से और 30% दोनों पीते हैं, तो कहने का मतलब है कि 80 में से 30 लोग दोनों पीने वाले हैं चाय तथा कॉफी, और बाकी बच गए होंगे कितने 50 जो कि पीते होंगे चाय और कॉफी, 35 टोटल पीते हैं, इसमें से कुछ चाय भी पीते होंगे कुछ कॉफी भी पीते होंगे। सर तो 100 जो था सो क्या 100 में से सभी पीने वाले थे? ऐसा तो डिसाइड तब होगा जब यहां पर हम टोटल काउंट करेंगे। यहां पर 80 में से 50 लोग केवल चाय, 35 में से 5 लोग केवल चाय, 30 लोग चाय तथा कॉफी दोनों, टोटल पियकड़ लोग हुए 30, 50, 80 और 5, 85। टोटल 85 लोग पीने वाले हुए और टोटल संख्या ऑफिस में था कितना 100। कुछ न लेने वाले, कुछ न पीने वाले चाय तथा कॉफी में से कुछ न पीने वाला, चाय तथा कॉफी में से कुछ न पीने वाले, ये समझना है। ये हम पिछले क्लास में समझा भी चुके थे थोड़ा सा। यहाँ पर वैल्यू 35 होगा, मैं गलती ले रखा था। चाय तथा कॉफी कुछ न पीने वाले, चाय तथा कॉफी कुछ न पीने वाले लोग कितने हो गए? कुछ न पीने वाले लोग 100 में से 50 यानी कि 15। पूरा देखो इसी पर रहता है सवाल बाबू, ठीक है। या ध्यान देना है आपको, एक बात ध्यान देना है कि ये दोनों वाला रहता है, ये केवल एक, केवल केवल चाय या केवल कॉफी ये रहता है, ये केवल कॉफी वाला, ये दोनों, और इस तरह से आपको टोटल 15 लोग हैं। सो कुछ न लेने वाले 85 लोग, 50 और 30 और 5, 85 लोग कुछ न कुछ पीते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताइए हमें कि 80 लोग चाय और कॉफी, 35 लोग, क्या मैं इसको घटाकर भी तो निकाल सकता था ना? चाय तथा कॉफी ये घटाकर भी तो निकाला जा सकता था ये 85। हाँ जी, ये भी तरीका है। ये होता है कि चाय या कॉफी दोनों पीने वाले, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी दोनों पीने वालों में से कुल संख्या, चाय या कॉफी दोनों पीने वाले तो कितने लोग पिएंगे 85। लेकिन डायग्राम से ऐसे सोचना है, और ऐसे में क्या करिएगा, दोनों का योग में से 30 घटा दीजिएगा। क्यों सर 30 घटाते क्यों है? 30 क्या हुआ कि आपको 80 में भी 30 था शामिल और 35 में भी 30 शामिल था, तो ये दोनों को जोड़े थे तो दो बार जुट गया था 30-30। इसीलिए एक बार जोड़ना है दोनों पीने वालों को, तो एक बार डबल बार जुट गया ये दोनों में से, एक बार घटाते हैं। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन जो कि चाय और चाय या कॉफी पीते हैं, आप लोग पढ़े होंगे यूनियन इंटरसेक्शन में, तो नंबर ऑफ पर्सन जो चाय पीते हैं और नंबर ऑफ पर्सन जो कि कॉफी पीते हैं, इसको जोड़ लेते थे आप और घटा देते थे उसको जो चाय और कॉफी दोनों पीता था। देखो दोनों कहने का मतलब कई बार यह समझना है कि कुल, दोनों मतलब कुल, और एक दोनों मतलब कि दोनों में संलिप्त चाय या कॉफी दोनों पीने वाले, ये अलग बात हो गया। चाय तथा कॉफी दोनों पीने वाले, ये अलग बात है। तथा का मतलब इंटरसेक्शन और या का मतलब पूरा, पूरा संख्या जो चाय और कॉफी पीते थे। तो एक बार फिर से कंक्लूजन समझ लीजिए, कुल संख्या 100 था ऑफिस का, जिसमें से कि चाय या कॉफी पीने वाले लोग का डेटा दिया हुआ था 80% चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं 35%, लेकिन 30% दोनों पीते हैं ऐसा कह रहा था। यहाँ पर 35 है। अब बताइए कि कितने लोग चाय या कॉफी दोनों में से कुछ नहीं लेते हैं, तो कितने लोग नहीं लेते हैं? यहाँ पर जोड़ लेंगे ऐसे, इस तरीके से या तो इस तरीके से। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं, सवाल बनाइएगा सब लोग। साठ विद्यार्थी, समझकर बनाइएगा। देखिए यार कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो समझकर बनाना है आपको। 60 विद्यार्थियों में के एक क्लास में 30% अंग्रेजी बोलते हैं और 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल अंग्रेजी बोलते हैं और केवल हिंदी बोलते हैं। मैं एक पहले बना के बताता हूँ। देखिए बाबू, कुल संख्या कितना था 60, कुल 60 था, उसमें से
30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% केवल हिंदी। अगर डायग्राम के अनुसार सोचें तो पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि ये हिंदी और अंग्रेजी का हम डायग्राम ये में बना लेंगे, इसको सोचेंगे कि हिंदी से सूचित कर रहे हैं, इसको एच से, और ये वाला इंग्लिश वाला है, ठीक है। 60 लोगों में से केवल, तो केवल तो ये वाला सेक्शन है, 60 लोगों में से केवल 30% अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का 30% कितना, 30% केवल अंग्रेजी, केवल इंग्लिश, कितना 60 में से 30, 18 ना, हेलो 18, यानी कि अंग्रेजी 18, केवल वाला पार्ट ये वाला है 18। और क्या कह रहा है, 60 में से 20% केवल क्या, हिंदी, 20% केवल हिंदी। तो केवल हिंदी के लिए क्या करेंगे, 60 का 20% निकालिएगा, यानी कि 6 दुनी 12 केवल हिंदी, यानी केवल हिंदी वाला पार्ट इधर वाला हो गया, यानी 12 ये वाला हुआ हिंदी का। अब देखो ना, पूरा संख्या था 60, जिसमें कि 18 और 12, और यहाँ पर ये समझना है कि एक विद्यार्थियों के एक क्लास में 30% केवल हिंदी बोलते हैं और 20% केवल, सॉरी 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% केवल हिंदी बोलते हैं, तो बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये कह रखा है कि बाकी जो बचेगा सो दोनों भाषा बोलेगा, दोनों वाला को बीच में रखेंगे, 12 18 कितना हुआ 30 केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी वाले थे, यानी कि बाकी शेष जो बचा सो कितना हुआ 30, और ये शेष जो 30 बचा है वो दोनों भाषा बोलता है, दोनों। कैसे आया है दोनों वाला, दोनों वाला आया 12 प्लस 18 बराबर, ये दोनों का, दोनों को घटा दिए किस में से हम, 60 में से, दोनों भाषा बोलने वाला, कौन कौन दोनों भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, तथा वर्ड ये समझना है इसको, तथा ही अंग्रेजी दोनों बोलने वाला 60 माइनस जो केवल केवल बोल रहा था उसको घटा के, यानी कितना 30। मुझे लगता है कि समझ में आया, लेकिन ये पूछ रहा है ना कि बताइए कि क्या पूछ रहा है, ज्ञात करो कि कितने हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी का मतलब केवल हिंदी नहीं, दोनों वाला और हिंदी वाला, यानी कि कुल हिंदी बोलने वाले, कुल हिंदी बोलने वाले कितने, 30 और प्लस 12 कितना हो गया 42। सबका आंसर आई होप कि 42 रहना चाहिए, 42 रहना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि विकास कुमार आंसर बता रहे 42। मैं इतना समझाया, समझ में आया क्या, इसको हम एक लाइन में बना देंगे बाबू, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है, अगर कोई बेसिक से पढ़ रहा है तो उसको पास फेल के बारे में इतना आइडिया होना चाहिए कि ये वाला जो है सो केवल, ये केवल हिंदी इंग्लिश बोलने वाला, चाय कॉफी वाला तरह के सवाल में पहले ये समझना चाहिए कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो आपका सेक्शन है, ये वाला केवल वाला सेक्शन है, ये है ना, ये केवल हिंदी वाला है, और इधर देखिए तो केवल अंग्रेजी वाला है, किधर, ये वाला केवल अंग्रेजी वाला है, ये वाला पार्ट केवल अंग्रेजी वाला है, और ये जो मिल जा रहा है आपको बीच में, ये पूरा क्या है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाला है, लेकिन हिंदी की बात करेगा तो ये वाला पूरा हिंदी ही हुआ, तो 12 और 30 कितना 42 हुआ हिंदी। केवल अंग्रेजी की बात कर देता, केवल अंग्रेजी की बात कर देता तो ये पूरा जो होता सो क्या होता, अंग्रेजी होता, 38 हो जाता। अब देखो ये जितना आपने पढ़ा है, ये तमाम बातें जितना आपने पढ़ देखा है उसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको तक लाता हूं, इसको देखिएगा, ये आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये इतना समझे आप, ठीक है, ये आपके समझने के लिए सही था, आपने ठीक समझा है कि चलो भाई अगर रहेगा तो एकदम एक एक करके निकाल लेंगे, 60 का 30%, 60 का 20% निकाल लेंगे, और बड़ा रखूं, ठीक है, दिख जा रहा है क्या फोन में, सब लोग ये करके दिखाई बताइएगा। और ये देखो, ये क्वेश्चन हम इधर लिए हैं, लेकिन एक लाइन में ये बनेगा बाबू, देखो कैसे, अगर आप जानते हो कि कुल संख्या कितना था, 60 था, कुल संख्या कितना था 60, और उसमें 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, हेलो 30% क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी, बाकी बचने, देखो ना भाई साहब ये डायग्राम है ना, ये देखो ये हिंदी बोलने वाला
ये इंग्लिश बोलने वाला और हिंदी बोलने वाला, केवल अंग्रेजी बोलने वाला कौन सा है? ये वाला सेक्शन केवल अंग्रेजी बोलने वाला है? नहीं, यही ना है जी केवल अंग्रेजी बोलने वाला 30%। अरे केवल अंग्रेजी बोलने वाला यही है, यानी कि जो बाकी बच गया आपका ये सभी पूरा क्या है, कुल हिंदी बोलने वाले। नहीं, अरे पूरा समझ पा रहे हैं, ये केवल अंग्रेजी बोलने वाला ये वाला सेक्शन है, बाकी ये जो बचा ये सब सब क्या है, पूरा हिंदी बोलने वाला। इसीलिए टोटल अंग्रेजी बोलने वाला 30%, तो हिंदी बोलने वाला 70%, और 70% इसका निकालिएगा 7×6 = 42 आंसर होगा। नहीं समझे आप लोग, आपको ये पूरा नहीं समझ करना होगा, अगर समझते होंगे तो प्रश्न धीरे धीरे आसान होता जाएगा आप, लेकिन शुरुआत में समझना यही है बाबू, शुरुआत में समझना यही है कि 30% केवल हिंदी तो किधर वाला इंग्लिश, केवल 18 ये केवल इंग्लिश, फिर केवल हिंदी तो केवल 12 हिंदी, और दोनों कितना, तो दोनों जो बच गया होगा से 18, 12, 30, तो 60 में से 30 गया, 30 दोनों, ये समझ में आ गया भैया, ठीक है। और उसके हिसाब से देखे कि कुल हिंदी कितना, तो 30 + 12 = 42। लेकिन अगर मुझे एग्जाम में निकालना हो, और हम सीख चुके हैं, तब क्या करेंगे, हमें पता है कि 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी, यानी कि बाकी सब जो बोलता होगा 30% के अलावे, वो सब हिंदी बोलता होगा या फिर दोनों बोलता होगा। केवल अंग्रेजी बोलने वाला के निकाल दिए तो क्या बचा, या तो दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलने वाला, या केवल हिंदी बोलने वाला। तो हमको हिंदी वाला का निकालना रहेगा, तो केवल अंग्रेजी वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर हुआ बात? अरे सब राजी खुशी, ठीक है, कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग को गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है। 18 या 12 कैसे लाए सर, न समझे, निखिल कुमार चक्रवर्ती, देखिए 60% का 30% छूछे हिंदी बोलता है, सॉरी 60% का 30% छूछे इंग्लिश, डू यू नो छूछे, इफ यू हैव नथिंग टू इट विथ एनी चावल भात, देन वी कैन से चावल ही छूछे, समझ पा रहा है बात। बाकी चीज़ें भाई हमारे इंग्लिश पर सवाल ना उठाएं, हम हैं मैथ्स के और देहाती शिक्षक हैं, ठीक है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप हमारी भाषा से, तो उसमें हेर फेर ना करें। फिर से सर देखो, अब फिर से मैं क्या बताऊं, पहले तो ये समझिए कि 60 लोग टोटल थे, 60 लोग में से हिंदी कितने लोग 12%, और अंग्रेजी कितने लोग, केवल अंग्रेजी कितने लोग, यार सबसे पहले तो जो लोग भी इंक्वायरी के लिए आए हैं कल से ना आएंगे प्लीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात से हो रहा है हमको, इंक्वायरी के नाम से आ रहे हैं और दुबक के बैठ जा रहे हैं, और अभी अगर कोई भी सरकारी तंत्र अगर वेरिफिकेशन के लिए आता है तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा, इसलिए प्लीज़, ठीक है। अब शुरू करता हूँ, हाँ आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लास में नहीं आना है, कुछ लोग इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, इंक्वायरी फ़ोन से कर लीजिए बाबू, बात कर लीजिए फोन से, ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि 60 लोग में से 30% लोग केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल, तो 60% का 30% नहीं आता है कैसे, 60% का 30% 18 नहीं होगा क्या, क्या प्रतिशत में 60% का 30% 18, और 20% केवल अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं, 20% ना कितना था, 60% का 20% केवल हिंदी बोलते हैं, तो 60% का 20% 12 नहीं होगा क्या, कैसे निकालते हो कि 60% का 20% 12 नहीं आता, 60% का 20% 12 क्या आता होगा, केवल हिंदी बोलते होंगे, तो ये कुल हिंदी बोलने वाला कितना लोग, केवल हिंदी बोलने वाला 12 लोग, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 18 लोग, तो 18, 12, 30 लोग, केवल हिंदी केवल अंग्रेजी बोलने वाले टोटल 30 हुए, बच गया कितना 30, यानी कि जो 30 बचा वो कुल मिला के ऐसे 30 बचा जो कि दोनों बोलते होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हमें फिर पता लगाना था कि कुल हिंदी कितने वाले, ए भाई कुल हिंदी वाला तो 30 लोग दोनों बोले वाला में से, हिंदी वाला तो बोलवे करता होगा, अरे 30 जो दोनों बोलता होगा वो हिंदी ना बोल रहा है क्या, और 12 हिंदी वाला, तो 30 और 12 कितना 42। लेकिन ये क्या कहे हैं सर, ये किए हम, देखो बाबू जब आप ऑनलाइन में समझते हो, ऑफलाइन में मेरे सामने रहते हैं तो आपके नज़रों को पढ़कर हम समझ लेते हैं कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन वाला में दिक्कत होता है कि आप तकरीबन पहले कुछ कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि जब मैं बता रहा था तब तक आप बना रहे थे, और जब मैं क्या किया बता दिया तब आप पूछ रहे हो कि ला ये कहाँ से आया, तो आप क्या कीजिए, या तो आप बना के फिर निश्चिंत हो जाइए आपको आता है, तो नहीं आता है तो आप चुपचाप पहले देखिए फिर पूरा समझिए उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए, मुझे लगता है कि ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए
कि 12 और 18 आया था, 12 18 में, और टोटल जानते हो कितना, दोनों भाषा कितना बोलता है 30, तो 30 12 42। और ये क्या किए सर आप, एक लाइन में बना दिए इसको। देखो एक लाइन में समझने के लिए ऐसे समझना चाहिए कि 60 विद्यार्थियों के एक क्लास में 30% केवल हिंदी। देखो बाबू अगर आपको समझना है तो ये समझिए कि सर कि अगर ये वाला पार्ट में से केवल इंग्लिश वाला को निकाल दें तो सब बचता, केवल इंग्लिश वाला को निकाल दें, ये वाला को निकाल दें भाग को, तो ये जो बचा है सो टोटल क्या बचा है, हिंदी बचा है। तो अगर 30% निकाल दिया जाए कुल में से, यानी 60 का 30% निकाल दिया जाए, 18 घड़ा दिया जाए, तो जो बाकी बचेगा सो क्या बचेगा आपको, हिंदी बोलने वाला। हिंदी बोलने वाला का क्या मतलब है, यह तो नहीं समझ रहा है सर। हिंदी बोलने वाला में केवल हिंदी बोलने वाले भी होंगे और कुछ लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलते होंगे, वो भी होंगे। समझ रहे हैं बात को, हिंदी बोलता हूं मैं, हिंदी भाषी हूं मैं, इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषी हूं का मैं हिंदी बोलता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं ज्यादा हिंदी बोलता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं हिंदी बोलता हूं, अर्थात ये भी हो सकता है कि मैं अंग्रेजी भी बोल रहा हूंगा, ठीक है। तो कहता है कि हिंदी बोलने वाले की संख्या, हाँ अगर मैं कह दूं कि मैं केवल हिंदी बोलता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हिंदी बोलता हूं मैं, यस हिंदी बोलता हूं मैं, इसका मतलब यह है कि मैं हिंदी तो बोलता ही हूं, हो सकता है कि मैं क्या अंग्रेजी भी बोल रहा हूंगा। समझ रहे हैं, इसीलिए ये बात समझिए कि हिंदी ये केवल बोल रहा है, केवल नहीं अंग्रेजी बोलता है, केवल अंग्रेजी, कितना लोग 60 में से 30% लोग केवल अंग्रेजी, लो 60 में से 30% केवल अंग्रेजी, यानी 18 लोग केवल अंग्रेजी, 60 में से 18 लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि बाकी जो है सो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते होंगे या हिंदी बोलते होंगे, तो हिंदी बोलने वाला की कुल संख्या हो गया कितना, 42। अब आपको 100 बात की एक बात, अगर कभी भी प्रश्न में 7 विद्यार्थी हैं और केवल अंग्रेजी बोलने वाले 30 हैं, तो बाकी जो 30 के अलावे जो बचेगा वो हिंदी बोलता होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, स्पीड मैथमेटिक्स के किसी कक्षा में 500 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें 38% छात्र केवल एडवांस पढ़ते हैं और 42% छात्र केवल जनरल पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र जनरल पढ़ते हैं बताइएगा, जनरल निकालना है, फटाफट आंसर दीजिए, कितने प्रतिशत जनरल पढ़ते हैं, अब आपको जिनको समझ में आया था इस प्रश्न का आंसर देके पुष्टि करें, मैं दो तरीके से बताया था बनाने के लिए, देखता हूं कितने बेहतर ढंग से आप समझे हैं इसको। स्पीड मैथमेटिक्स की कक्षा में 15% सॉरी देखो यार ये सभी क्वेश्चनों को रोशन अगले क्लास में सभी क्वेश्चनों को एकदम एक तरफ इधर रखें, अब इधर खड़ा होते हैं ऑप्शन घट ढक जाता है, सबको इस तरफ रखें, सॉल्यूशन के लिए इधर रखेंगे, ठीक है, मैं बार बार सोचता हूँ बोलने के लिए भूल जाता हूँ। केवल हिंदी बोलता तब सर स्पीड के दीवाने, वाह कितना, ये किसी का आंसर के 310 310 310, विकास कुमार, दीपक कुमार, अनुराग कुमार, शुभम कुमार, राजकुमार, लोक कुमार, अनुराग कुमार, राहुल कुमार, विपिन कुमार, श्रुति, दीपू, अनुराग, ऋतिक सिन्हा, मुस्कान, सुजीत, विकास, अनुराग, मनीता, डॉली, सचिन, श्रुति, महेंद्र, विकास, अनुराग, मुस्कान, विशाल, विकास, महेंद्र, श्रुति, सभी का आंसर 310 आंसर, तो ABC लिखा हुआ है बाबू यहाँ पर, ABC में सी आंसर सबका आ रहा है, क्या आप सबका भी सी है, मैं एक लाइन में बताता, क्या पूछता है कितने स्पीड में किसी 500 छात्र थे उसमें केवल केवल 38% केवल दे दिया है ना एडवांस पढ़ते हैं, केवल 38% एडवांस पढ़ते हैं, यानी कि 100 में से 38 घटेगा कितना हो गया, 100 में से 38 घटेगा 62%, यानी कि 62% जनरल पढ़ते हैं और 42% केवल जनरल पढ़ते हैं, इसका मतलब कि 58% केवल 50% जानते हो कितना, अगर 38% एडवांस पढ़ते हैं इसका मतलब कि जनरल पढ़ने वालों की कुल संख्या, जनरल पढ़ने वाले कुल संख्या 62% है, अगर 42% जनरल पढ़ते हैं
तो एडवांस पढ़ने केवल जनरल पढ़ते हैं केवल जनरल, तो एडवांस पढ़ने वालों की संख्या क्या है 58%। यहां पर केवल वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा, केवल का मतलब केवल, ओनली ओनली 42% जनरल पढ़ते हैं, यानी 42% केवल जनरल में एडमिशन लिए हैं और 38% केवल एडवांस में। तो केवल को हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा 100, जैसे 42% केवल जनरल हैं, इसका मतलब एडवांस 58% पढ़ते हैं, और अगर 62% केवल जनरल हैं, सॉरी 38% केवल एडवांस है, यानी 62% जनरल पढ़ते होंगे। जनरल मतलब कुल जनरल 62% पढ़ते होंगे और कुल एडवांस कितने परसेंट, 52%। अब निकालना था आपको जनरल, तो जनरल वाला निकालना था तो समझिए कि केवल एडवांस वाला 38 है तो केवल जनरल वाला कितना 62 होगा, एडवांस वाला 68, केवल केवल एडवांस वाला 38 तो सभी जनरल पढ़ने वालों की संख्या क्या होगा 62। क्लियर है, हमको निकालना था जनरल वाला का ही कितने छात्र जनरल पढ़ते हैं, तो यानी कि 500 का 62% जनरल पढ़ते हैं और ये हो जाएगा कितना 310। लेकिन मैं वैसे भी बनाता तो बनता, थोड़ा टफ पड़ता, देखिए ना डायग्राम से भी मुझे पता है कि भैया ऐसा है 538% केवल जनरल पढ़ते हैं ना, 500 में से 38%। अच्छा इसमें एक सुधार कीजिएगा लाइन में, बाकी छात्र दोनों भाषा पढ़ते हैं, यहाँ पर एक सुधार कर लीजिएगा क्वेश्चन में जी, यहाँ पर होना चाहिए पढ़ते हैं तथा बाकी छात्र एडवांस तथा जनरल दोनों पढ़ते हैं, तो कितने छात्र जनरल पढ़ते हैं, ठीक है यहाँ पर लाइन समझ संभाल लीजिएगा, दोनों पढ़ते हैं बाकी छात्र एडवांस तथा जनरल दोनों पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं क्या। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप क्या कीजिए 62% निकालिए इसका 500 का, ये सॉरी 500 का 38%, 38% निकालेगा तो 8 × 5 = 40 और 5 × 3 = 190। अच्छा और ये यानी कि ये पढ़ा केवल क्या, केवल एडवांस पढ़ा, और केवल जनरल पढ़ने वाले की संख्या 42% 500 का 21 210% होगा। अब बाकी दोनों पढ़ते हैं तो 210 और 190 कितना हो गया 400, तो दोनों पढ़ने वाले की संख्या कितना हुआ 100। अब देखो मुझे जनरल पूछता है तो जनरल 210 + 100 = 310, या एडवांस तो एडवांस 100 और प्लस 190 290 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, तो या ऐसे डायग्राम से ऐसे सोचिए या डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर केवल एडवांस वाला को हटा देंगे तो जो बचेगा सो क्या बचेगा, केवल एडवांस वाला को हटा देंगे तो जो बचेगा सो जनरल वाला बचेगा, या केवल जनरल वाला को हटा देंगे तो जो बचेगा सो एडवांस वाला बचेगा। देखो ये एडवांस वाला, कुल एडवांस पढ़ते होंगे 290 छात्र और कुल जनरल पढ़ते होंगे 310 छात्र और दोनों पढ़ते हैं 10 और केवल एडवांस 190 और केवल जनरल 210। ये बहुत कुछ बताता है, केवल ये एक चीज को आप समझते हैं तो बहुत सारा बात स्पष्ट हो जाता है जी। मुझे लगता है क्लियर हुआ है, एक सवाल और कर लेते हैं, इसमें बनाइएगा अगला। ये लाइन अगर छूटा हुआ है तो इसको लिख लीजिएगा बाद में कि पढ़ते हैं तथा बाकी छात्र ए तथा एडवांस तथा जनरल दोनों पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगा ना कि बाकी क्या किया। अरे भाई मान लीजिए केवल 38% केवल जनरल पढ़ते हैं और 42% केवल एडवांस पढ़ते हैं, तो 42 और 38 हुआ कितना 4 × 3 = 7 80% के करीब हुआ। बाकी 20% क्या करते हैं, तो वही 20% के बारे में, बाकी छात्र क्या करते हैं एडवांस तथा जनरल दोनों पढ़ते हैं। बताइए अगला सवाल, दोनों देखिए नाम है जो जुड़े हुए हैं, सतीश कुमार बसित अली, स्पीक इन उर्दू, आई कांट स्पीक इन उर्दू, भाई नहीं जानते हैं उर्दू हम, अनुराग राज, सोम राज, राजकुमार, सतीश तमन और जयराम यादव,
टेस्ट कैसे होगा सर? शुभम कुमार कहते हैं टेस्ट होगा बाबू, बताया जाएगा, बताया हूँ कि ऐप पर होगा टेस्ट। राहुल अहिर 75 बता रहे हैं। महेंद्र कुमार का बी आंसर है बॉल 75। शेष तथा शेष घरों में रेडियो तथा टीवी दोनों है, तो यहाँ पर दोनों है, ये होना चाहिए, क्वेश्चन में छूट गया है, दोनों है, तो कितने घरों में रेडियो है? 110 भी बहुतों का आंसर आ रहा है। अवधेश 110 बता रहे हैं रेडियो है, 110 आलोक कुमार, 110 शुभम कुमार, मिस्टर पवन कुमार, विकास कुमार, आलोक कुमार, संदीप कुमार, विपिन कुमार, नेहा गुप्ता, मनीता कुमारी, श्रुति कुमारी, आलोक कुमार, विकास, पूजा कुमारी, गुड्डू, शुभम, संदीप, राजकमल, तमाम, एम लाइफ चेंजिंग, 110 ही सबका है। सौरभ कहते हैं कि चाइनीज में बोली, डिमांड अलग अलग है, मैं बोल सकता हूँ चाइनीज लेकिन बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका शायद हो गया होगा, मुझे पता है कि आपको पूछ रहा है कितने घरों में रेडियो है और कुल 225 जिसमें कि 60% का। देखो कोई भी सवाल क्या होता है जी, कोई भी सवाल टाइप्स होता है क्या, कैसे को टाइप्स कहते हैं? टाइप्स केवल इस बात की आपको पुष्टि करता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि इस तरह के सवाल कैसे कैसे रह सकते हैं। इसमें से कुछ भी पूछ सकता था, दोनों कितने घरों में दोनों दोनों चीज़ें हैं टीवी और रेडियो, या फिर पूछ सकता था कि कुल कितने घरों में रेडियो है, या पूछ सकता था कि कुल कितने घरों में टीवी है। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पर 125 है और 125 घरों में से कुछ ना कुछ घर टीवी है और कुछ ना रेडियो है और बाकी घरों में दोनों चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं किसी घर में रेडियो और टीवी नहीं है, सभी घर में है। तभी अब एक यहाँ पर आपको समझना है, 125 घर है उसमें 60% घरों में केवल रेडियो है और 12% घरों में केवल टीवी है, तो कितने घरों में रेडियो है? रेडियो के लिए पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जितना घर में टीवी है उसको घटा देते हैं, तो 125 का 12% घरों में टीवी है, तो रेडियो कितने घरों में? केवल टीवी 12% घरों में है, तो अब केवल टीवी रखे वाला हटाइए, केवल टीवी रखे वाला हटा दीजिए, तो बाकी जो बचेगा सोकरा में रेडियो होगा या तो रेडियो टीवी दोनों होगा, लेकिन रेडियो वाला निकल जाएगा। तो रेडियो रखने वाले घर, रेडियो रखने वाले घर कौन हो भाई? रेडियो रखने वाला घर, टीवी रखने वाला घर को घटा दीजिए, 100 में से टीवी 12% में, यानी 12 घरों में 100 में से 12% में टीवी, 12 घरों में टीवी, तो बच गया कितना? 88%। तो इसका निकाल दीजिए 88%, 88% निकाल दीजिए, 88% भाई, इसका 88% 125 गुने 88/100 हो जाएगा, और 100 कटता है 25 से, 25 चौका 100, 22 चौका 88, 22 पाँच 110, यानी कि 110 घरों में क्या है भाई? रेडियो है, और बाकी बच गया होगा कितना घर? बाकी बच गया होगा 15 घर, तो 15 घरों में क्या है? 15 घरों में केवल टीवी है, केवल टीवी है 15 घरों में, बाकी घरों में रेडियो है, रेडियो है या केवल रेडियो है या रेडियो और टीवी दोनों है, उसको जैसे देखिए जिस घर में रेडियो भी है और टीवी है, इसका मतलब कह देंगे कि इसके घर में रेडियो है, जिसके घर में रेडियो और टीवी दोनों है तइयो कहेंगे कि इसके घर में रेडियो है, और जेकर जिसके घर में केवल रेडियो है उसको भी कहेंगे इसके घर में रेडियो है, यानी रेडियो वालों की संख्या क्या हो गया? जिसके घर में रेडियो और टीवी दोनों है वो भी, और जिसके घर में केवल रेडियो है वो भी। अब टीवी वालों की संख्या क्या होगा? टीवी वालों की कुल संख्या, जिसके घर में टीवी है सो भी, और जिसके घर में टीवी और रेडियो दोनों है वो भी। क्लियर हुआ होगा मामला लगता है कि, ठीक है। सो अगला देखते हैं, प्रश्न है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में फिजिक्स में, और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत दोनों भाषाओं में फेल हुए? ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कुल संख्या 100, कुल संख्या कितना? 100,
कुल संख्या 100 है, जिसमें कि कुछ पास हुए हैं कुछ फेल हुए हैं। हमें बताता है कि पास वाला बात बता रहा है कि पास कितने हुए हैं टोटल, गणित में मैथ में हुए हैं 65 लोग पास, और आपको भौतिकी यानी फिजिक्स में हुए हैं 30 लोग पास, सॉरी 48 लोग, यहाँ पर 48% लोग पास, और दोनों में पास हुए। ये देखो ये जो डायग्राम बना रहे हैं वो पास का बना रहे हैं, तो 65 लोग पास मैथ में और 48 लोग पास फिजिक्स में, और कहता है दोनों में पास कितना है 30, तो ये दोनों वाला को हम बीच में रख देते हैं, 30 में दोनों में पास है। अब जब 30 दोनों में पास है तो 65 में से 30 तो दोनों में पास है, केवल केवल मैथ में कितने लोग पास, 35 लोग पास, 65 में से 30 लोग दोनों में पास, तो केवल मैथ्स में पास कितने 35 लोग, 48 में से 30 लोग दोनों में पास, तो केवल फिजिक्स में पास कितने लोग 18 लोग, यानी कुल पास लोग कितने, तो 35 और प्लस 30 65, और 65 और 10 75, और 75 और 8 83 टोटल पास हुए, कुल पास कितने लोग 83 लोग। इसको आप वैसे भी कर सकते थे, या फिर निकालने के लिए क्या कीजिए, 65 प्लस 48 और माइनस कितना कुल पास के लिए, दोनों जो है उसको घटा दीजिए, दोनों कितना था 30, तब भी आ जाएगा कितना 83। क्या समझ पा रहे हैं बात, अरे समझ पा रहे हैं, 103 में से 30 जाएगा, कितना हो गया ये 6, 4, 10, 8, 5, 13, 113 में से 30 जाएगा तो क्या 83 नहीं आएगा, 83 आ जाएगा। या तो ऐसे निकालिए कुल पास, या फिर वैसे ही कुल संख्या फिजिक्स मैथ्स में पास का, कुल संख्या फिजिक्स में पास का, और घटा दीजिए दोनों को, वो आ जाएगा टोटल पास किए हैं कितना 83%, फेल कितने हुए होंगे। अच्छा ये 100 में है ना ये सब, इसीलिए 83 का है, तो इसको समझिए 83%, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में आकलन कर रहे हैं, बताया गया है प्रतिशत में 100 पर 83, यानी कि कुल फेल कितना, कुल फेल हो जाएगा 100 माइनस 83 यानी कि 17%। जिनका आंसर आ रहा है मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, महेंद्र कुमार, आलोक कुमार, अमित, मनीता कुमारी, विपिन कुमार, विकास कुमार, संदीप कुमार, अवधेश कुमार, राजकुमार, इंडियन गेमिंग, मिस्टर पवन कुमार, आलोक कुमार, विकास कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा महाकाल के दीवाने, शिवम बाबू, पूजा कुमारी, मनीता कुमारी, SRB क्रिएशन, सभी का आंसर 17%, आलोक कुमार, महेंद्र कुमार, गुड्डू कुमार, शिवम कुमार, दीपू कुमार, विकास कुमार, साधना भारती, शुभम कुमार, अनुराग कुमार, फनी वीडियो, शिवम, एम लाइफ, विद्या, विक्की, नेहा, सुजीत, विक्रम, सुप्रिया, इंडियन, इंद्रजीत, फनी वीडियो, उज्ज्वल, विक्रम, SSB क्रिएशन, विकास, सतीश, सुबोध, विक्रम, विपिन, श्रुति, अनुराग, श्रवण, उज्ज्वल, S4 SSC, विक्रम, आभास, उज्ज्वल, और अब तमाम लोग। तो पास फेल वाले क्वेश्चन कुछ कुछ हम कर रहे हैं, देखो यार इसमें बहुत बच्चों को बेचारा एकदम नया होता है तो उसको समझ भी ना आता है कि ये दोनों क्या ऐसे है, ये केवल एक का कैसे है, केवल वाला कौन सा, केवल वाला, केवल मैथ्स में कितने पास 35, केवल फिजिक्स में कितने पास 18, दोनों में कितने पास 30, मैथ्स में कुल कितने पास 65, फिजिक्स में कुल कितने पास 48, दोनों में पास मैथ और फिजिक्स में पास 30, दोनों में कुल फेल कितना दिया है 17, ये कुल फेल है, कुल फेल 17 है, कुछ लोग एकरा में से दोनों में फेल होगा, ठीक है 17% में से कुछ लोग क्या होगा दोनों में फेल, ये कुल मिला के फेलों की संख्या कितना है 17। 17 क्या है सर, 17 में कुछ लोग केवल मैथ्स में फेल होंगे, कुछ लोग केवल किस में फिजिक्स में, और कुछ लोग दोनों में। आपको कुछ ये या तो डायग्राम से बनाना है, अगर फेल पूछ रहा था तो क्या कीजिए पास वाला का निकाल लीजिए, और पास वाला निकाल के फेल वाला का, पास वाला का निकाल के और सबको जोड़ दीजिए और 100 से घटाइएगा तो फेल वाला निकल जाएगा। अगला सवाल मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आए।
बनाइएगा सब। एक ऑफिस में 35% लोग चाय पसंद करते हैं तथा 45% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं तथा 10% लोग चाय तथा कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत लोग चाय तथा कॉफ़ी दोनों में से कुछ नहीं पसंद करते, कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, बताइएगा। जुड़े हुए कुंदन, गुड्डू, डुमरिया, मुकेश कुमार, फनी वीडियो, जयराम यादव, ऑप्शन है 70 40 50 30, ए बी सी डी, 70 40 50 30, आंसर ए बी सी डी बता सकते हैं आप। क्या हो जाएगा देखिए, सभी का 30 आ रहा है। विकास शर्मा कहते हैं 30, आलोक कुमार 30 कहते हैं, फनी वीडियो 30 कह रहे हैं, 17 कह रहे हैं कुछ लोग। सर ऐप पर शिफ्ट कब होंगे, 22 के बाद, 21 तारीख के बाद? विपिन, इंद्रजीत कुमार, पहले वाली वीडियो सारा हटा दिया गया होगा अब तक, ठीक है? तो यार डेली क्लास में ज्वाइन करें, नहीं तो वीडियो देखो हटा दिया जाएगा, 24 घंटा के बाद हटा दिया जाएगा, कोई मौका नहीं आपके पास, ठीक है? श्रुति कुमारी, अवधेश कुमार, इंद्र कुमार, आलोक कुमार, सुजीत कुमार, फनी वीडियो, विकास कुमार, महाकाल, पूजा, नेहा, विक्रम, रोशन, नीतू, मनीता, महेंद्र, सुप्रिया, सभी का 30, यानी कि डॉग आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। देखता हूँ मैं, अवधेश, एस पर एस एस सी, संध्या, डॉली, संदीप, विकास, सुप्रिया, विपिन, सभी का। अब देखिए बाबू, यहाँ पर यह समझना जरूरी हो गया कि ऑफिस में 35% लोग चाय पसंद करते हैं। चाय पसंद करने का मतलब केवल चाय नहीं, वो सब पीता होगा कॉफी हो, अगर वैसे कुछ कॉफी भी पीता होगा, केवल चाय कह दे तब केवल की बात, लेकिन 35% चाय पसंद करते हैं इसका मतलब कुछ और भी पीते होंगे जो बिहार में नहीं चलता है, ठीक है? कुछ और भी पीते होंगे। चाय कहने का मतलब कि चाय तो पक्का 35% पीते हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ भी पीते होंगे। यहाँ पर और बोलता है क्या, 45% लोग कॉफी पसंद करते हैं, भैया सीधा सीधा बात है कि 45% लोग कॉफी, यानी कि कॉफी पीने वाले 45%, तो आप लिख दीजिए कि चाय पीने वाले टोटल 35, कॉफी पीने वाले टोटल 45, तथा 10% लोग चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं, 10% लोग चाय तथा कॉफी दोनों, यानी कि ये 10% लोग हुए। अच्छा, हमने कुल मान लिया है 100, तभी ये 35% को 35 लिखते हैं, 45% को 45 लिखते हैं, 10% को 10 लिखेंगे। कुल अगर 100 मान लिए हैं तब आप मन ही मन 100 मान लिया करें, मान 100 मानने से ये जो प्रतिशत में रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, ठीक है? अब कहता है कि दोनों में 30%, अब कहते हैं कितने प्रतिशत कुछ नहीं पीते बाबू, यहाँ पर टोटल पीने वाले देखो 35 था या 10 था, इसमें से कितना बच गया 25, और 45 में से 10 गया 35, टोटल देखो 35 35 70, कुल जो चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं वो कौन हुए, तो कुल जो चाय या कॉफी पीते हैं वो हुए 25 25 प्लस 10 प्लस 35, यानी कि आंसर आ रहा होगा 25 10 35 35 70। लेकिन अगर यही कहता है डायरेक्ट बनाने तो आप कुछ नहीं करते, 35 प्लस 45 और माइनस 10 कर देते, कुल मिल जाता, कुल चाय तथा कॉफी, चाय या कॉफी पीने वाले, कुल चाय या कॉफी पीने वाले जो दोनों पीता है वो भी है जी इसमें शामिल, ये हो गया आपका 35 35 70। तो आप ये कीजिए या वैसे कीजिए, ऐसे क्यों करते हैं, कई बार केवल चाय पीने वाला पूछते रहता है, केवल कॉफी पीने वाला पूछते रहेगा, तो समय निकाल लेंगे हम, केवल चाय कॉफी पीने वाले कितने 35%, केवल चाय पीने वाले 25%। अब ये पूछ रहा है 70% अगर चाय या कॉफी पीते हैं तो कुछ नहीं पीने वाले, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी में कुछ ना पीने वाले, कुछ नहीं पीने वाले, क्या हो जाएगा 100 माइनस 70, यानी कि बच गया कितना 30%। बस ऐसे निकाल देना, आंसर था 30%, प्रतिशत में था, 100 के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो उस 30 जो आया है सो प्रतिशत में ही है, मुझे लगता है क्लियर हुआ है बात, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल कहता है किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त होता है और वह परीक्षा में 60 अंक से फेल हो जाता है। एक लड़का है जिसको परीक्षा में प्राप्त हुआ कितना अंक, वो 28% अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल हो गया। एक दूसरा छात्र
छात्र एक दूसरा छात्र अधिक प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है, यहां पर गलत है, त्रुटि है, जरा सर लाकर देखें। एक परीक्षा में छात्र को 28% अंक प्राप्त होता है और वह परीक्षा में 60 अंक से फेल हो जाता है। एक दूसरा छात्र सवाल नंबर 6 यहां पर था, कितना शायद मुझे, एक दूसरा छात्र जो प्राप्त करता है 28% अंक प्राप्त करता है, 60 से फेल हो जाता है, कैसे लिख रहे हैं ये? दूसरा छात्र, छत्तीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और 12 से फेल हो जाता है, 36% है यहाँ पे, 36% प्राप्त करता है और 12 से फेल हो जाता है। अब बताइए बाबू, तो यहाँ पर उत्तीर्णांक क्या है, पहला क्वेश्चन, कुल अंक क्या है और उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? उत्तीर्णांक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तीर्णांक, आइए मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं कुल अंक मान लेता हूँ 100%, कुल अंक 100%, या फिर 100 नहीं मानिएगा तो जो प्रतिशत में होगा प्रतिशत में लिखिए। एक लड़का है जी, पहले प्रश्न को समझिए, एक परीक्षा में एक छात्र है, उसको 28% मिलता है और भैया उस 60 अंक से फेल हो जाता है। 28% मिलने वाला छात्र, बढ़िया से ध्यान से सुनिए, पहले बनाने का प्रयास तब कीजिएगा। हमेशा से ऑनलाइन वाले में दिक्कत होता है कि जब आपको बताया जा रहा हो तब आप बना रहे होते हैं, और फिर जब आपकी बनाने की बारी है तब बैठे हुए रहते हो कि समझ में नहीं आया कैसे हुआ। आप ध्यान से पहले सुनिए फिर बनाइएगा, यहां कोई जल्दी नहीं है जल्दी आंसर बताने की, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि क्या करें, आप जल्दी आंसर बताएं। कदा छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, वह परीक्षा में 60 अंक से फेल हो जाता है। ए भाई, 28% नंबर लाया और 60 अंक से फेल हो गया, 60 अंक है ये, अंक है बाबू और ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत वाला में प्रतिशत लगा के लिखिए और अंक वाला में बिना अंक ऐसे ही लिख दीजिए। तो समझ में आया कि इतना अंक प्रतिशत लाया है और 60 अंक से फेल हुआ है, यानी कि अगर 60 अंक और ले आता तो ही पास होता, यानी कि ये पास होना चाहिए, ये पास होना चाहिए था, ये पास हो जाता, ठीक है। अब देखिए दूसरा छात्र है जो कि 36% अंक प्राप्त किया और पास अंक से 12 अधिक अंक प्राप्त कर लिया, 36% लाया ना, तो जितना मैं पास होता था ना उससे 12 अंक अधिक ले आया, यानी कि अगर मैं इसमें से 12 घटा देता हूँ 12 अंक, तो क्या होगा, ये भी पास हो जाएगा, क्योंकि 36 पास मार्क्स जो था ना ये 36 लाया, तो पास अंक से 12 ज़्यादा ले आया, इसका मतलब है कि 36% अंक जो है सो पासिंग मार्क्स से 12 अंक ज्यादा है, अर्थात 12 अंक घटाएंगे इसमें से तो ये भी पासिंग हो जाएगा, यानी कि ये भी पासिंग अंक हो गया, और पासिंग अंक दोनों हुआ तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहां पर देखिएगा 36 में से 28 जाएगा आपका, 8% इधर आएगा, परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ, अंक वाला को अंक की तरफ, ये ना कि जोड़ दीजिए कि ला हल्लो 36, 28, 60, 68% ए धंधो, और फिर इधर गलत बात हो गया, ये 88% मार देंगे कितना लोग, और इतना बराबर 3612 ये नहीं, आपको अंक को अंक से और प्रतिशत को प्रतिशत से प्रतिशत लाइए इधर, यानी कितना परसेंट, कितना हो गया ये, आप 8% हो गया, प्रतिशत उधर ले गए 8% और 12 इधर लाए 72%, यानी कि 8% बराबर कितना, 72, भैया 8 बराबर कितना है, 72 है। क्या पूछता है बाबू यहाँ पर, सबसे पहले उत्तीर्णांक क्या है, कुल अंक क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, तो पहले कुल अंक निकाल लीजिए, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक कितना, कुल अंक आपका हो गया बाबू 100%, चूंकि 8% माने थे 100 के रिस्पेक्ट में, 100%, 8 बराबर 72, तो 100 बराबर कितना, 8×9=72, 900, यानी कि 900 कुल अंक है एग्जाम का, 900 कुल अंक है एग्जाम का। अब एक लड़का 28% नंबर लाता है और 60 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि पासिंग अंक, उत्तीर्णांक अंक, पासिंग मार्क्स, इसको मिनिमम मार्क्स भी बोलते हैं, मिनिमम मार्क्स यानी जितना पासिंग अंक होता है वह न्यूनतम अंक भी होता है, न्यूनतम अंक, उत्तीर्णांक बोलते हैं इसको, बहुत सारा वर्ड बोलते रहते हैं, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा इसका, न्यूनतम अंक यानी पासिंग अंक मार्क्स, उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक क्या होगा, उत्तीर्णांक हो जाएगा, जहां भी शब्दों में त्रुटि हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा,
900 का 28% और प्लस 60, यही उत्तीर्णांक होगा। कुल का 28% और 60 लाएगा तो ये पास हो जाएगा। तो इसका 28% निकालिए और 60 परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 28 गुने 9 कीजिए, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल और 9 8 72 और 9 2 18 और 7 252 और प्लस 60 यानी कि 312 ही सही उत्तीर्णांक अंक है। ठीक है सर, इसको से नहीं निकाल सकते थे? यस, 36% निकाल के 12% घटाइए या फिर 1% बराबर यहां देखिए कितना है 9, 1% बराबर 9, यहां से भी निकाल सकते थे 1% बराबर 9, तो 28% बना 28 गुने 9 और प्लस 60। क्लियर है? अब ये हो गया उत्तीर्णांक। फिर कहता है उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या हो जाएगा बाबू? उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा कुल उत्तीर्ण अंक बटा कुल अंक गुने 100। कुल उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा? कुल पासिंग मार्क्स और कुल अंक गुने 100, पासिंग मार्क्स बटा कुल अंक गुने 100। काटिए आंसर आ जाएगा, या फिर इसको पहले निकाल लीजिए, या फिर 9 9 3 27 9 3 27 7 4 11 9 4 36 9 4 36 8 8 9 आ रहा है क्या? ये 34 पूर्णांक, देखिए कैलकुलेशन में कहीं देख लीजिएगा अगर त्रुटि है तो, 9 4 36 और 8 8 6 14 गलत हो रहा है, 9 3 27 लगा तो ये 7 4 11 और 9 4 36 तो 6 6 12 6 बटा 9 यानी कि हो जाता होगा ये 34.2/3% पासिंग परसेंट, 34.2/3% आएगा और कुल अंक आया है आपका 900 और पासिंग अंक आया है 312। नेहू क्रिस्पी, समझ में आ रहा है सर? वेरी गुड, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तीन चीजें पूछ रहा था, पहला पूछता था कि सर बताइए कुल अंक क्या है, दूसरा बात पूछता सॉरी पहला पूछता था क्या उत्तीर्णांक क्या है, तो उत्तीर्णांक देखिए पहला का आंसर यहाँ पर आया, पहला का आंसर यहाँ पर आया और कुल अंक यानी दूसरे का आंसर यहाँ पर आया और तीसरे का आंसर यहाँ पर है बाबू कि भाई पूछता है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, तो उसका है 34.2/3%। मुझे लगता है क्लियर है सबको, वेरी गुड, 34.5 ही का नहीं 2/3 है ये, 34.5% नहीं, क्या कैलकुलेशन गलती हुआ है क्या कहीं? सही है, 34.2/3 है तो 34 पॉइंट, इसको पॉइंट में लिखेगा तो 34.66 आना चाहिए, ठीक है ना, 2/3 को 0.66% कहेंगे या 67% लगभग में कह सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हुआ। अच्छा सर ये डायरेक्ट भी प्रतिशत निकाल सकते थे क्या? हाँ जी, देखिए बाबू क्या कर सकते थे, हमें पता है कि 72 बराबर 8% होता है, 72 बराबर 8%, तो 60 बराबर कितना% निकाल लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 60 का मतलब प्रतिशत से प्रतिशत जोड़ दीजिएगा, लेकिन कई बार वो लेंदी हो जाता है इसलिए मैं ये तरीका आपको नहीं बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि आराम से कुल मार्क्स निकालिए और कुल मार्क्स निकालने के बाद आप कुल अंक पासिंग अंक निकालिए, पासिंग अंक के बाद पासिंग प्रतिशत निकाल लीजिए। अगला सवाल आपके लिए, देखता हूँ कितने लोग बना पाते हैं इसको, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके उनका नाम मैं एक बार ले लेता हूँ, नाम है पंकज कुमार, अच्छा एक्सपर्ट सर, उसको एक्सपर्ट बनाने बोल रहे हैं, एक्सपर्ट क्लास खुलने के बाद अकेला अकेले मिलिए। महाकाल के दीवाने 34.67, विराज राज 34.67 सही है, विकास कुमार 34 पॉइंट लिखना चाह रहे थे आगे नहीं लिखे हैं, इंडियन गेमिंग कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए बाबू, बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारा भी हौसला बढ़ता है। सर 30 तारीख तक 12वीं तक बंद है तो हम लोगों का क्लास क्यों बंद है ऑफलाइन का? 12वीं तक बंद है? नहीं, सभी को बंद कर दिया गया है बाबू, नागेंद्र कुमार कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी, नी हाउ सर, नी हाउ,
चाइनीज बोल रहे हैं, नगेंद्र कुमार कहते हैं नी हाओ। नी हाओ का मतलब होता है हेलो। फ्री बैच आपके हैं सर? हाँ, ये फिर अब फ्री बैच चल ही रहा है अभी। अब कई कई बार सवाल अगर किया करें तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा करें पढ़ के। लेकिन इसका प्रश्न का जवाब लोगों का आ रहा है गलत है क्या ये? एक परीक्षा में 32% अंक लाकर भी 28 से फेल हो जाता है, जबकि एक 42% लाता है और वह पास अंक से 32 अंक ज़्यादा ले आता है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक। अगर क्वेश्चन में आंसर गलती मैच नहीं कर रहा है तो आंसर लिखिए आप, क्या होगा परीक्षा का उत्तीर्णांक बाबू? अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, अपना आंसर लिखिए आप लोग। डी बता रहे हैं कितना लोग, 192। लगभग में मत मारिए, एग्जैक्ट आंसर जो आता है वो बताइए आप, कितना होगा ये? नहीं बाबू देखो, वीडियो तो डिलीट हो जाता है, 24 घंटा आपके पास समय है पढ़ने का, ताकि आप क्लास में बैठ के पढ़ें, वीडियो एकदम रहेगा नहीं, वो डिलीट कर दिया गया है। हर दिन का क्लास हर दिन करते रहें, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो अपना समझें, उनका सिलेबस पीछे होगा। मैं बढ़ाता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा, सिलेबस आगे बढ़ाता रहूँगा। 220 आंसर आ रहा है सबका, 220 220। संदीपक कुमार, संदीप कुमार पाल, ये सुप्रिया कुमारी, सभी का आंसर 220 आ रहा है, वेरी गुड। शुभम कुमार, सजन, मुस्कान सिंह, सुप्रिया, फनी वीडियो, मनीता कुमारी, मनीता का 500 आंसर, 220 बाकी का है। राजपवन, ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा नहीं लगता है, मैं आपके चेहरे को भी तो नहीं देख पाता हूँ, मैं आपके चेहरे को भी तो नहीं देख पाता हूँ। एक परीक्षा में एक छात्र 32% अंक लाकर 28 अंक से फेल हो जाता है। 32% अंक लाया और 28 अंक से फेल हो गया, यानी 32% प्लस 28 लाता तो पास हो जाता, ठीक है। एक दूसरा छात्र 42% अंक लाया और पास अंक से 32 अंक ज़्यादा ले आया, यानी कि जितना ज़्यादा लाया है उसको आप घटा दीजिए तो ये पास हो जाएगा, और दोनों पास पास अंक है इसीलिए दोनों आपस में बराबर होगा। अब निकाल लीजिए यहाँ से, 42 है 32, यानी कि 10% इधर बचता होगा। अरे 42 को उधर ले जा रहे हैं आप, और 32 इधर लाइएगा तो होगा 3 2 5 1 6 60, यानी 10% बराबर कितना है 60। तो भैया 1% बराबर कितना 6, 1% बराबर 6 और 100% बराबर 600। अब हमको पूछता है क्या कि उत्तीर्णांक। मैं उत्तीर्णांक निकालूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आसान नंबर आ गया ये, तो उत्तीर्णांक मैं क्या करूँगा पता है? 1% बराबर 6 है तो 32% बराबर कितना हो जाएगा? 32% प्लस 28 था ना उत्तीर्णांक, तो 32% का मतलब 32 × 6 और प्लस 28, 6 × 6 36, 36 18 और 3 21 प्लस 2 28 कितना जाएगा? 8 6 14, 2 1 3 1 4, 6 6 36 36 18 3 21, यहाँ पर 32 होगा, ये 36 लिखा गया है, तो 192 आ जाएगा ये, 192 और 28 जोड़कर कितना आएगा? 8 2 7 और 9 2 11 1, 8 2 10 और 9 2 11, 2 और 220, मतलब कि 220 आया। या फिर आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे कि 10% बराबर 60 है, 10% बराबर 60 है तो आपको निकालना है टोटल पासिंग अंक, तो आप 100% पहले निकाल लीजिए। 10% बराबर 60 तो 100% बराबर क्या जी? 100 अंक, 100% बराबर 600, और 600 कुल अंक है उसमें से लाया है कितना? 32% 600 का, 600 का 32% प्लस कितना लाया है? 600 का 32% प्लस 28 लाएगा तो उत्तीर्णांक हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। अरे उत्तीर्ण होने के लिए यही लाएगा ना, 600 का कुल अंक का 32% प्लस 28, कैलकुलेट कीजिएगा, 6 2 12 6 18 19 192 और प्लस 28 कितना हो जाएगा? 8 2 10 9 2 11 120, ऐसे भी आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट यही कीजिए ना, 32% बराबर 6, 32% बराबर 32 × 6 प्लस 28 जो आता है सो आंसर, मुझे लगता है 220 सबका हो रहा होगा। 9 बजे का क्लास है सर, अब ये पूछने वाली बात नहीं है, हमेशा से बोल रहा हूँ कि क्लास ऑनलाइन जरूर रहेगा, ऑफलाइन में कोई नहीं आए। आपको अगर
दिक्कत होता है, आप क्या कर सकते हैं उस उन सवालों को मैं बताया कि जो लाइव लाइव में क्लास कर रहे बाबू, जो इस बैच में मेरे पास पूरा डेटा आपका रह जाता है कि कौन कौन लाइव जुड़े हुए थे, ठीक है। तो जो लोग लाइव कर रहे हैं वही क्लास आगे करने का अधिकार रखते हैं, उसी को हम रिपीट करने का मौका देंगे, नहीं तो बाबू मौका नहीं देंगे आपको रिपीट करने का दोबारा, ठीक है। इसमें दो तीन टाइप हम लोग समझे हैं अभी, ठीक है। अगले क्लास में बाकी वीडियो हम देखेंगे। आप लोग एकदम समय से जुड़ जाया कीजिए कि एक सवाल और कर लेंगे, आप एक सवाल और करके देखिएगा। बताइए एक लास्ट सवाल आज का, परीक्षा में किसी प्रतियोगी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन वह 40 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। तो भाई बताइए कि परीक्षा का अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब कि कुल अंक, मैक्सिमम अंक यानी कि कुल अंक, कुल अंक यानी कि जितना पर एग्जाम हो रहा था वो कुल अंक, ठीक है। पैकेज के भी क्वेश्चन होंगे, पहले सारा टाइप्स कर लेंगे बाबू, उसके बाद पैकेज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे एक भी नहीं, बल्कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसमें, चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए, प्रीवियसली कराऊंगा आपके लिए। प्रयास रहेगा कि आपको ऑफलाइन जैसा ही महसूस हो, लेकिन इसके लिए आपको लगातार जुड़ना होगा। देखो बाबू यहाँ पर कहता है एक परीक्षा में किसी प्रतियोगी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन वह फेल, वह केवल 40 अंक लाता है, ठीक है, और 30 अंक से फेल हो जाता है। ए जी तो 40+30 लाता तो कितना पास हो जाता, देखो बाबू कुल पास होता 40। सर यहाँ पर प्रतिशत छूटल है क्या, नहीं छूटल है, जो कहता है अंक कह रहा है तो अंक समझिए, 40 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, प्रश्न को महसूस किए, यानी 70 अंक लाता तो क्या होता वो पास होता, और 70 अंक जो है सो पासिंग अंक है। बाबू पूछता है कि अधिकतम अंक, तो ये कह रहा है कि 35% होना चाहिए पास होने के लिए, तो आया 70 अंक, यानी कि यही 35% है सो कितना है 70 है, यही 35% है सो कितना है बाबू 70 है, 35% बराबर 70। तो क्या चाहिए, कुल अंक कितना होता है 100% हो जाएगा कितना 200, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। आप प्रश्नों को समझना सीखिए, जिस दिन आप प्रश्नों को जो यहाँ पंडित जी कहते हैं वो अगर समझने लगे, यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आज भी इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, अगले कंटिन्यू रहिए आप अल्टरनेट डे में, जो नए जुड़े हैं वो ध्यान दीजिएगा, MWF में आपका जनरल का चलता है, TTS में एडवांस का चलता है, तो कल एडवांस होगा, लगातार जुड़े रहिए, धन्यवाद।